महिंद्रा कई समय से अपनी कार्स को भारतीय बाजार में बेच रहा है और महिंद्रा की कार्स कितनी टिकाऊ होती है यह हमें स्कॉर्पियो और एक्सयूवी जैसी गाड़ियों से पता चल जाता है। अब महिंद्रा अपनी सबसे शानदार कार XUV 300 का इलेक्ट्रिक वर्जन मार्केट में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। XUV 300 के इलेक्ट्रिक वर्जन में क्या क्या खास है आज हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारा चैनल ऑटोमोबाइल जो है सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। कार की फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो इस कार की फ्रंट लुक आपको नॉर्मल XUV 300 जैसे ही दिखाई देगी और इस कार में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। कार की साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इस कार में आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन दिया जाएगा। साथ ही इस कार में आपको इंडिकेटर्स वाले ORVM भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। बैक प्रोफाइल से इस कार में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। कार के इंटीरियर के बारे में बात करें तो इस कार में आपको ब्लैक और बेज कलर के इंटीरियर प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही इस कार के इंजन में आपको 32 किलोवाट की एक मोटर दी जाएगी जो एक बार चार्ज होने पर इस कार को 655 किलोमीटर तक चला सकती है। कार के फीचर्स के बारे में बात करें तो इस कार में आपको 7 एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और इंजन इमोबिलाइजर जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। कार के लॉन्च डेट और कार के प्राइस के बारे में बात करें तो इस कार को मई 2020 में लॉन्च किया जा सकता है और इस कार के बेसिक वेरिएंट का ईएक्सशो प्राइस 11,03,000 रुपए हो सकता है और टॉप मॉडल का ईएक्सशो प्राइस 14,98,000 रुपए तक हो सकता है। दोस्तों, क्या आप XUV 300 EV खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।